आज मैंने बिल्कुल ढाबा स्टाइल से चिकन कड़ी मसाला बनाया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो प्याज, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 साबुत लहसुन को छील लिया है। तो प्याज को हमें बारीक बारीक काट लेना है और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है। 1 किलो चिकन लिया है, प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है, देख सकते हैं। अदरक, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची, इन सब का हमें पेस्ट बना लेना है। तो जार में मैंने अदरक, लहसुन, काली मिर्च, बड़ी इलायची सब कुछ डाल दिया है और इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, इनका हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। कढ़ाई को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें 1/2 कप सरसों का तेल लेना है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए और उसमें से धुआं निकलने लग जाए तब हमें उसमें डालना है 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 2 तेज पत्ता। जीरा जब चटक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। गैस का फ्लेम अब हमें मीडियम हाई फ्लेम पर रखना है और प्याज को हमें अच्छे से 8 से 10 मिनट तक के लिए भुनना है। प्याज को हमें तब तक भुनना है जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, मुझे प्याज को भुनने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगा है और इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है और प्याज जो है वो अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चिकन। ये कढ़ाई में डाल दिया सारा चिकन। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और मसाले का पेस्ट डाल देंगे जो हमने बनाकर रखा था। एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर चिकन को हमें 1/2 घंटे के लिए अच्छे से भुनना है। हम इसे ढककर भुनेंगे, 4 से 5 मिनट तक के लिए ढक देंगे, फिर इसे बीच में चलाएंगे, फिर 4 से 5 मिनट तक के लिए ढकेंगे, फिर बीच में चलाएंगे। तो इसी तरह हम चिकन को 1/2 घंटे के लिए बीच में चलाते हुए अच्छे से चिकन को भुन लेंगे। ये देखिए, चिकन को मैंने 4 से 5 मिनट तक के लिए ढक दिया था। फिर ढक्कन हटा के एक बार हम चिकन को फिर से हिला लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि चिकन जो है वो नीचे से जले ना। इसे अच्छे से हिलाने के बाद हम इसे फिर से ढक देंगे, फिर से 4 से 5 मिनट तक के लिए ढक देंगे और फिर से 4 से 5 मिनट के गैप के बाद फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे और नीचे से अच्छे से चला लेंगे। तो चलिए हम टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को कद्दूकस कर लिया है, आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए, चिकन को भूनते हुए मुझे 25 मिनट हो गए हैं। तो चिकन को हम 5 मिनट और भून लेते हैं। जब ये 1/2 घंटा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो एक बार हम इसे और ढक देते हैं और ढकने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए और भून लेते हैं। तो ये देखिए, चिकन को मुझे भूनते हुए 1/2 घंटा हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो चिकन का जो पानी था वो भी सूख गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब हमें टमाटर डालने के बाद फिर से चिकन को 10 मिनट तक के लिए और भुनना है। बीच में हम वैसे ही इसे चलाकर 3 से 4 मिनट तक के लिए ढक देंगे और फिर से 3 से 4 मिनट तक के बाद फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। तो ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे ढक देते हैं। तो ये देखिए, 8 से 10 मिनट हो गया है टमाटर डालने के बाद, चिकन जो है वो अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चिकन मसाला। तो यहाँ पर हमें डालना है 2 चम्मच चिकन मसाला।
चिकन मसाला डालने के बाद इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 5 मिनट तक के लिए और भून लेंगे ताकि जो मसाला का कच्चापन है वो भी हट जाए। तो इसे हम मिक्स करने के बाद फिर से 3 से 4 मिनट तक के लिए ढक के लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसे फिर से हम ढक्कन लगा देंगे। अगर आप इस तरीके से चिकन बनाते हैं तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे आपने देखा ही है कि बनाने में कोई परेशानी भी नहीं है। तो आप जरूर से एक बार इस तरीके से ये चिकन बनाकर ट्राई करें। तो ये देखिए चिकन जो है ये अच्छे से भुन गया है और मुझे चिकन भुनने में 45 मिनट्स का टाइम लगा है, ठीक 45 मिनट का समय लगा है मुझे चिकन भुनने में। तो आप भी ध्यान दें, चिकन आपको चिकन भुनने में 45 से 50 मिनट तक का टाइम लगेगा। तो अगर आप चाहें तो चिकन को ऐसे भी खा सकते हैं। और अगर आपको ग्रेवी डालनी है तो हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 2 कप गर्म पानी। याद रखें हमें चिकन में हमेशा गर्म पानी डालना चाहिए क्योंकि गर्म पानी डालने से ये होगा चिकन का जो कलर है वो वैसे ही रेड बिल्कुल बहुत बढ़िया कलर बना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गर्म पानी डाल दिया है। तो पानी आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसी ग्रेवी पसंद है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हमें पानी डालने के बाद इसे लो फ्लेम पर ढक कर 8 से 10 मिनट तक के लिए और पका लेना है। उसके बाद आपका 8 से 10 मिनट तक के बाद ये चिकन जो है वो बनकर खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं। तो ये देखिए चिकन में जो है एक उबाल आ गया है, इसे हम 5 मिनट तक के लिए और कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका चिकन मसाला कड़ी बनकर तैयार है। ये देखने में जितना बढ़िया है खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।